गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर डूइंग आवर टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी हैड डन द वर्ब. व्हाट इज अ वर्ब? ओके, हम वर्ब कर चुके हैं. नाउ टुडे वी कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड नाउ वी विल डू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रियाएं बोलते हैं ना जिनको, सकर्मक. ये होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. और ट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है? दीज वर्ब्स रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज. ये वर्ब जो होती हैं ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करती हैं, मतलब इनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. मतलब ऐसे वर्ब जिनमें ये, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये वर्ब्स आती हैं, तो उसमें इन वर्ब से संबंधित एक ऑब्जेक्ट होता है, हर एक सेंटेंस में होता है. बट जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उस वर्ब का मीनिंग क्लियर नहीं होगा. तो कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे जिनमें ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ ज़रूरी नहीं होता है. बट ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्टिव पार्ट ज़रूरी होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव पार्ट होना ही होता है, और वो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और वो एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, मतलब दो तीन वर्ड भी हो सकते हैं, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है. दैट फॉलोज द वर्ब, जो वर्ब के बाद में आता है. और क्या करता है फिर ये ऑब्जेक्ट जो आता है, वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है. और वर्ब के बाद में आएगा और क्या करता है, उसका वर्ब क्या है, एंड कम्प्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय इंडिकेटिंग द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. वो क्या करता है कि सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीट करता है उस पर्सन और थिंग, मतलब वो उस व्यक्ति को और उस वस्तु की तरफ इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए, जिसको दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो उस वर्ब का कार्य प्राप्त करता है, मतलब उस वर्ब से संबंधित होता है वो. एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करती हैं, मतलब इनमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद में आता है, और उसका वर्ब का मीनिंग क्लियर कर देता है, ठीक है. और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, और नाउन फ्रेज भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, द किड्स लाइक पिकल्स. अब इसमें वर्ब देखें तो ये हमारी लाइक है, बच्चा पसंद करता है. तो जब हम यहाँ तक अगर इस सेंटेंस को स्टॉप कर दें तो इसका मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा या फ्रेज आएगा, ये वर्ड नाउन भी हो सकता है. जैसे यहाँ पर पिकल है, पिकल मीन्स अचार, किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है, तो ये एक नाउन है. ओके, तो ये इस वर्ब का, लाइक जो हमारी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया है ये. और इसके बिना, पिकल के बिना, हमारी इस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है. द किड्स लाइक, बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, पिकल्स, अचार पसंद करते हैं. तो जब तक ये वर्ड नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हमारी वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा. तो ऐसी वर्ब्स जिनको कि एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसके बिना उन वर्ब्स का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ऐसी वर्ब्स जो होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कैट किल्स अ रैट. अब यहाँ पर वर्ब है किल्स, बिल्ली मारती है, किसको मारती है. जब तक ये अ रैट नहीं आएगा, ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया. रैट नाउन है और अ रैट दो वर्ड हो गए, तो ये नाउन फ्रेज हो गया ये, ठीक है. तो ये क्या है, किल्स क्या हुई, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई. तो व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्टिव पार्ट की जरूरत होती है, उनमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, और उस ऑब्जेक्ट के बिना उनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है. नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ऐसे ही इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रियाएं बोलते हैं. सकर्मक मीन्स कर्म के साथ, और कर्म किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को. तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट के बिना वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता. ऐसे ही इनट्रांजिटिव वर्ब में अकर्मक, मतलब कर्म के बिना, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब वही होती है. इट इज अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
ये वो वर्ब होती है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर हमारे सेंटेंस में नहीं है तो भी उसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इट मीन्स दैट देयर इज नो वर्ड इन द सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट रिसीव्ड द एक्शन ऑफ द वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सेंटेंस में जो है कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो कि कोई व्यक्ति या कोई चीज ऐसी होगी जो कि हमारे वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रही होगी, मतलब वर्ब का हमारा मीनिंग जो है कंप्लीट कर रही होगी, उसको क्लियर कर रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में ऐसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ही लाफ्ड, वह हंसा। अब ये लाफ यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर हमारे कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, आगे कुछ भी ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है और यहाँ पर इसका मीनिंग भी कंप्लीट हो रहा है, ही लाफ्ड, वह हंसा। आगे कोई भी ऐसा वर्ड हमें जरूरत नहीं है जिससे कि हम इसके मीनिंग को कंप्लीट करें क्योंकि ये पहले ही कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। अब बच्चे खेलते हैं कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग क्लियर हो गया है, कोई क्वेश्चन भी अराइज नहीं हो रहा है कि क्यों, क्या, कैसे, और इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, मीन्स इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं होती उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। और ऐसी वर्ब जिनको उन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट की जरूरत होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए, वो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। ओके, आई होप दीज टू वर्ब्स आर क्लियर टू यू ऑल।